सो हेलो भाई लोग, आगे एक न्यू कॉल की वीडियो के साथ। और आज जो इस टाइप की फोटो एडिटिंग, अगर आप लोग भी अपने फोटो को जो इस टाइप से भी एडिट करना चाहते हो तो इसलिए वीडियो जरूर लास्ट तक देखना। आप लोग यहाँ पर इस टाइप की एडिटिंग बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर वीडियो को सेट कर लेते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो से लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना आप लोग, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर वीडियो को सेट कर लेती है। तो उससे पहले आपको इस वाला सिंपल वाला फोटो को देख सकते हो। तो इस वाले फोटो को आपको लाइटरूम के अंदर सबसे पहले शेयर करना है। तो इस वाले फोटो को मैं लाइटरूम के अंदर सबसे पहले शेयर कर लेता हूँ। तो लाइटरूम के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर एक प्रीसेट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वाले प्रीसेट के आपको सेटिंग को लेना है कॉफ़ी। तो यहाँ पर मैं इसकी सेटिंग को कर लेता हूँ कॉफ़ी यहाँ पर, एंड इसके यहाँ पर डन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर जाके आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना है, एंड आपको पेस्ट सेटिंग दिख रहा है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो अभी आप लोग देख सकते हो हमारा फोटो बिल्कुल ही रेडी होकर आ गया, ठीक है। एंड अभी आपको जाना है कलर्स के अंदर, आपको मिक्स पर सेलेक्ट करना है। एंड अभी आपको इस वाले कलर के अंदर आ जाना है, एंड आपको इस टाइप से कर लेना है, ठीक है। एंड आपको इस टाइप से भी कर लेना है। तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, और आप भी अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग आप लोग सेट कर लेना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस टाइप से कर लेता हूँ। एंड अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हम डन कर लेते हैं, एंड इसको भी डन कर लेते हैं। एंड अभी आप लोग इफेक्ट के अंदर चले जाना, एंड टेक्सचर को और थोड़ा बढ़ा देना, एंड बैक कर लेना। एंड अभी आप लोग जाना लाइट्स के अंदर, एंड अभी आप लोग सबसे पहले तो हाईलाइट्स को आप लोग कम कर देना, ठीक है। तो कम करने के बाद आप लोग यहाँ से इसको बैक कर लेना। एंड अभी आप लोग इस वाले फोटो को सबसे पहले शेयर कर लेना सनसेट एप्लीकेशन के अंदर। तो सनसेट के अंदर आने के बाद आप लोग क्या करना, टूल्स के अंदर चले जाना, टू इमेज पर क्लिक कर देना, एंड ब्राइटनेस को हल्का सा दे देना इस टाइप से। एंड आप लोग एम्बियंस को बढ़ा देना, एंड हाईलाइट्स को, एंड शेडो को भी, ठीक है। एंड अभी इसको डन कर लेना। तो अभी आप लोग डिटेल्स के अंदर चले जाना, डिटेल्स को बढ़ा देना इस टाइप से, एंड अभी इसको डन कर लेना। एंड अभी आप लोग सेलेक्ट टूल के अंदर चले जाना, एंड जहाँ पर ब्लैक है बस यहाँ पर इस टाइप से सेलेक्ट करके, एंड ब्राइटनेस को आप लोग इस टाइप से दे देना, ठीक है। और अभी इसको डन कर लेना। एंड अभी आपको, तो अभी आपको इस वाले फोटो को सबसे पहले शेयर करना है ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऑटोडेस्क के अंदर सबसे पहले शेयर कर लेता हूँ। तो ऑटोडेस्क के अंदर आने के बाद आप लोग यहाँ पर ब्रश के अंदर चले जाना, एंड लाइब्रेरी के अंदर चले जाना। एंड आप लोग यहाँ से जो है यहाँ पर इस वाले ब्रश को सेलेक्ट कर लेना, सेटिंग के अंदर चले जाना। एंड आप लोग इस टाइप से सेटिंग रख लेना, एंड फोटो कर लेना जूम। एंड आप लोग यहाँ से जो है फेस स्मूथ कर लेना, ठीक है, सबसे पहले। एंड उसके बाद आपको देखना ये बहुत ही अच्छा एक ट्रिक बताएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से मैं जल्दी से यहाँ पर फेस स्मूथ कर लेता हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हो फिर स्मूथ करना कंप्लीट हो गया। तो अभी आप लोग क्या करना, तो इस वाले फोटो को आप लोग सबसे पहले यहाँ पर सेव कर लेना, ठीक है। एंड सेव करने के बाद इसको बैक कर लेना, एंड बैक करने के बाद आप लोग इंटरनेट को कर लेना ऑन। इंटरनेट को ऑन करने के बाद आप लोग यहाँ पर जो है क्रोम ब्राउज़र के अंदर आ जाना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र के अंदर आ जाना। एंड आने के बाद आप लोग यहाँ पर एक वेबसाइट दे दूंगा, ठीक है। तो इस वाले वेबसाइट से आप लोग एक क्लिक के अंदर अपने फोटो को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही ईजी तरीके से आपको रिमूव करके देता है। तो आप लोग इस वाले वेबसाइट की यूज़ कर लेना, ठीक है। एंड मैं अपलोड इमेज पर क्लिक कर लेता हूँ, एंड उस वाले फोटो को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग में आ गया फोटो, एंड फोटो यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा बहुत वेट कर लेते हैं। तो देख सकते हो हमारा प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया। तो अभी आप लोग यहाँ से जो है डाउनलोड कर लेना ईजिली, ठीक है। तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया है ऑलरेडी। तो डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद इसको बैक कर लेना, ठीक है। बैक करने के बाद आप लोग क्या करना, तो ऑटोडेस्क एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, ठीक है। तो ऑटोडेस्क एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पर जो है उस वाले फोटो को आप लोग यहाँ पर ऐड कर लेना, ठीक है, जो अपने बैकग्राउंड रिमूव किया था, ठीक है। तो देख सकते हो हमारा ऐड हो गया, तो इसको डन कर लेते हैं। एंड यहाँ पर देख सकते हो हमारा फोटो ऑलरेडी ऐड हो गया। एंड यहाँ पर आपको और एक बैकग्राउंड को यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो ये वाला बैकग्राउंड है, तो इस वाला बैकग्राउंड को आपको ऐड करना है, एंड इसको बड़ा कर लेना इस टाइप से, ठीक है। अपने फोटो के अकॉर्डिंग आप लोग सेट कर लेना, इसको डन कर लेना।
एंड इसको नीचे कर लेना इस टाइप से, ठीक है। इतना होने के बाद आप लोग ब्रश के अंदर चले जाना एंड आप लोग यहाँ पर जो है इस वाले ब्रश को सेलेक्ट कर लेना है, सेटिंग के अंदर चले जाना एंड इसको बढ़ा लेना साइज़ को। तो आप लोग जो है ब्रश के साइज़ को इस टाइप से और थोड़ा बढ़ा लेना एंड आप लोग इरेज़ कर लेना इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से आप लोग इरेज़ कर लेना। अगर आप लोग बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर लेना एंड इस टाइप से आप लोग चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इस टाइप से रख लेता हूँ एंड अब इसको डन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर आपको कुछ पिंस इसको ऐड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। जो इस वाले लाइट वाले पिंस इसको आपको ऐड करना है, इसको डन कर लेना है एंड इसको ऊपर कर लेना है एंड इसको आप लोग स्पिन कर लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग एक रख देना एंड इसको डन कर लेना। तो इसका एक डुप्लीकेट बनाना है आपको एंड आपको इस साइड में कर लेना, ठीक है। इसी टाइप से आपको कर लेना है, इसको डन कर लेना है। तो अभी आपको एक टेक्स्ट वाले पिन इसको ऐड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ जो ये वाला पिन है एंड अभी इसको डन एंड इसको आपको स्क्रीन कर लेना है एंड आपको इसको ट्रांसफॉर्म कर लेना है इस साइड में, ठीक है। इस साइड में आप लोग कर लेना, इसको डन कर लेना एंड यहाँ से इसको इडिस कर लेना हल्का सा। एंड अभी आप लोग देख सकते हो बिल्कुल ही फोटो रेडी होकर आ गया। एंड अभी आप लोग इस वाले फोटो को सेव करके लाइट रूम के अंदर सबसे पहले यहाँ पर शेयर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेव करके लाइट रूम के अंदर शेयर कर लेता हूँ। तो लाइट रूम के अंदर आने के बाद आप लोग यहाँ पर जो लाइट्स के अंदर क्लिक कर देना एंड आप लोग हाईलाइट्स को कम, शेडो को बढ़ा देना एंड इसको व्हाइट को कम एंड इसके ब्लैक को भी कम कर देना, ठीक है। एंड इसकी एक्सपोजर को बढ़ा देना एंड इसको बैक कर देना। क्लास के अंदर चले जाना, मिक्स पर सेलेक्ट कर देना एंड शेप इंच को बढ़ा देना एंड यहाँ पर दूसरे वाले कलर के अंदर आ जाना एंड इसके यहाँ पर शेप इंच को कम, न्यू मिनट को थोड़ा ज़्यादा। तो इस वाले कलर के अंदर आ जाना एंड इसके आप लोग शेप इंच को बढ़ा देना एंड इसका भी शेप इंच को बढ़ा देना है एंड इस वाले कलर को कम कर देना है एंड इसको भी कम कर देना, ठीक है। तो इस वाले कलर को मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ एंड इसके नीमेंट्स को बढ़ा लेता हूँ एंड इसका भी मैं बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। एंड इसको डन कर लेता हूँ एंड ऐसे इसको बैक एंड इफेक्ट के अंदर चले जाना है एंड आप लोग विकनेट को कम कर देना इस टाइप से एंड इसको भी एंड आप लोग टेक्चर एंड क्लैरिटी को बढ़ा देना एंड ऐसे इसको बैक कर देना, ठीक है। एंड थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इसको मैं हल्का सा कर लेता हूँ एंड ऐसे इसको बैक। एंड अभी आप लोग क्या करना, मास्क के अंदर चले जाना एंड आप लोग फोटो कर लेना जूम एंड यहाँ पर ब्रश के अंदर क्लिक करके आप लोग हेयर के अंदर अप्लाई कर लेना इस टाइप से, ठीक है। एंड अभी आप लोग इफेक्ट के अंदर चले जाना, टेक्सचर को बढ़ा देना एंड क्लैरिटी को बढ़ा देना, ठीक है, इस टाइप से। एंड अभी इसको डन कर लेना एंड देख सकते हो फोटो हमारा बिल्कुल ही रेडी होकर आ गया, ठीक है। एंड अभी आपको और एक काम करना है, मास्क के अंदर चले जाना है एंड यहाँ पर आपको इस ब्लैक को लेना है एंड इस टाइप से लेने के बाद आप लोग यहाँ पर जो एक्सपोजर को कम कर देना, ठीक है। एंड मैं इस टाइप से कर लेता हूँ एंड अभी इसको डन कर लेता हूँ एंड देख सकते हो हमारा फोटो बिल्कुल ही रेडी होकर आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो लाइक कर देना एंड सपोर्ट कर लेना भाई, सपोर्ट की बहुत जरूरत है, बिल्कुल ही व्यूज नहीं आ रहा है वीडियो पर, ठीक है, सपोर्ट कर लेना। एंड तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।